Hi, this is Kanika Mann and you're watching me on Telefilms. Hi Kanika Mann, hi. Welcome to the channel. Thank you. So firstly, aaj aap bahut acche lag rahe ho, white and red ki outfit. What it is all about today, your look? नथिंग एज सच कि हमने बहुत नहीं सोचा, हमने सोचा कुछ एक फ्रेश न्यू लुक में कुछ फोटोशूट किया जाए एंड बस इसीलिए खतरों के खिलाड़ी से आप आ गई है केप टाउन का इतना सारा जो पूरा सफ़र किया है, बहुत सारी मौज और मस्ती, बहुत कुछ किया होगा, तो क्या कुछ किससे जो है हमारे फैंस को आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत मज़े आए, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था. जब मैं जा रही थी मैंने देखा था फैंस कितने एक्साइटेड थे, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे एंड मुझे ऐसा डर भी लग रहा था कि यार पता नहीं कैसी जर्नी होने वाली है, लेकिन जब मैं पहुंची ऑफकोर्स डर बहुत लग रहा था लेकिन बहुत मज़ा आया. बिल्कुल ही एक अलग एक्सपीरियंस था जो कि हमको अदरवाइज, क्योंकि हमें आदत है एक वो यू नो कैरेक्टर में रहने की, वो स्क्रिप्ट वाली शूट करने की, तो वो एक बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था रियलिटी वाला एंड सब नए लोग एंड सबसे मिलके वो एक बॉन्डिंग क्रिएट हुई एंड इतने लंबे टाइम तक हम लोग बाहर थे, सो सब चीज़ें बहुत ही मज़ेदार थी. पहले एक टास्क देखा गया था जिसमें हाइना वाला वो टास्क था, उसमें कहीं ना कहीं आप डर रही थी लेकिन कैसे भी करके वो टास्क तो आपने पूरा कर ही दिया था. कितना डर था हाइना को जब आपने देखा? तो हाइना से पहले ना एक प्रैंक हुआ था हमारे साथ, जो अब हमें एपिसोड में पता चला कि वो किसी को इंजरी हुई थी एंड हमें लगा कि एक्चुअली हाइना ने काट लिया है उसको. तो मैं तो मतलब थ्रू आउट रो रही थी कि अभी अगर मुझे काट लिया तो, एंड मैं देख रही हूँ सब लोग बहुत चिल हैं कि नहीं 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 कुछ नहीं होगा. तो मैं सोच रही हूँ कि स्टंट बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, इतना बड़ा कुछ इंजरी हुई है. लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि अच्छा ऐसे ही होता होगा. तो बहुत डर मन में बैठ गया था एक्चुअली, जबकि हाइना पकड़ा भी हुआ था इन सब चीज़ें थी, लेकिन वो मन में ऐसा बैठ गया कि शिट अभी एक इंजरी हुई है तो लग सकता है ना. तो उसकी वजह से मुझे 5 मिनट लग गए वो हाइना के पास से वो चाबी लाने में ही, जो कि मतलब जा सकती थी मैं. अब मुझे लगता है क्यों नहीं गई जल्दी, क्यों नहीं किया. तो यस, लेकिन वो डर जब आपके मन में बैठ जाता है ना, तो मेरे को हर किसी ने यही बोला था जब मैं जा रही थी ना, मैंने कहा क्या प्रिपरेशंस करूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, शूट कर रहे हैं, तो हर कोई बोलता कुछ प्रिपरेशंस मत कर, बस अपने माइंड को काम रख के चल. मैंने नोटिस किया कि हाँ जब जब माइंड सब पैनिक कर जा रहा था ना, तब तब ही स्टंट करने में प्रॉब्लम हो रही थी. तो यस, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड. वो ऑफकोर्स वो सूट तो वो प्रॉब्लम था ही, वो डॉग सूट था टू प्रोटेक्ट कि वो बाइट नहीं करें आपको, एंड दूसरा वो डॉग्स आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे. तो और मेरा तो उसने पूरा ऐसा हाथ, उसका ग्रिप इतना वो पड़ ऐसा पूरा जकड़ लिया था, तो मेरे को तो बहुत दिन तक वो ऐसा इंजरी भी रही वहाँ पर. बट उसमें मुझे ये था क्योंकि उससे पहले 2 स्टंट्स में नहीं कर पाई थी, तो मुझे था ये तो मुझे करना ही करना है. तो आई थिंक येस, अगेन वही बात आ गई कि माइंड वाली बात है. जब आपको ये हो जाता है ना, ठान लेते हो कि अब मुझे करना ही करना है, तो सब चीज़ें हुई उस स्टंट में, इंजरीज हुई एंड स्टंट अपने आप में बहुत डिफिकल्ट था, डॉग्स एंड देन द सूट एंड देन मेरे हेलमेट्स गिर रहा था बार बार, 2-3 बार मेरे हेलमेट गिरे. तो वो सब चीज़ों के बावजूद मुझे था कि ये मुझे करना ही करना है, कि ऐसे कैसे मैं पिछले 2 पूरे नहीं कर पाई. तो वो जब आता है तो आप कुछ भी कर जाते हो. Well, हमेशा से जब भी हम कोई टास्क करते या कोई रियलिटी शो में जाते तो हमें ऐसा लगता है भाई ये तो मेरा कॉम्पिटिटर है. तो ऐसा कोई लगा था इतने सारे लोगों में से कोई ये मेरा कॉम्पिटिटर है? मैंने ना वहाँ जाके ये देखा कि हर कोई आपका कॉम्पिटिटर है, क्योंकि बहुत स्टंट्स में ऐसा होता था कि हमें लगता था कि ये तो कर ही जाएगा, और कई बार ऐसा होता था कि वही बंदा नहीं कर पाता था. एंड कुछ स्टंट्स में ऐसा होता था कि यार ये तो नहीं कर पाएगा, इसको तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आता, एंड वो उसमें जीत जाता था. तो शो ना बहुत अनप्रडिक्टेबल है कई, वो बस आपने अगर ठान लिया कि आप कर जाओगे तो आप कर जाते हो. मुझे याद है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं पानी में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो पाऊँगी, लेकिन मैं ऐसे कंफर्टेबल हो गई पानी में कि मुझे खुद से, मैं अपने आप को ही सरप्राइज़ करी थी कि अरे यार इतने आराम से कैसे कर लिया. तो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता था. तो हर कोई आपका वहाँ पे कंपेटिटर है, हर कोई आपको बीट कर सकता है. सोशल मीडिया में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा चल रही है कि कहीं ना कहीं कनिका ने चीटिंग की है एंड रुबीना ने उनका सच झूठ पकड़ लिया है. तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरे को अब टेम का मतलब बहुत अच्छे से पता चल गया है. नाउ आई नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टेम. देखो वो गेम था एंड जो भी चीज़ें हुई उन हर किसी ने अपने पॉइंट्स वहाँ गेम में रख दिए. मुझे लगता है अभी कुछ भी बोलूँगी ना तो ऐसा लगेगा कि अभी क्यों बोल रहे हो, वो तो गेम में हो गया ना. तो वही हमने वहाँ पर अपने पॉइंट्स रख ही दिए. अब कुछ लोग ऑफकोर्स मेरे पॉइंट्स को सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ उन सामने वाले के पॉइंट्स को सपोर्ट करेंगे, तो वो तो चीज़ें होनी ही हैं. बट ठीक है, वी आर एक्सेप्टिंग दैट. आपके काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जैसे कि रूहा
कहानी एंड एज वेल एज हमने देखा चौपाल टीवी जो है उस पर भी आपके बहुत सारे टीजर्स चल रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? सो चौपाल पे मेरी एक पंजाबी फिल्म आई है मजाजिन ऑर्केस्ट्रा, जो कि पूरा ऐसा फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, आपको बहुत मज़ा आएगा स्टोरी सुन के, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, तो वो प्लीज़ देखिएगा। एंड रूहानी 2 ऑफकोर्स आ गया है, 3 एपिसोड्स आर ऑलरेडी ऑन एयर एंड जो कि बहुत प्यार मिल रहा है, वी आर ऑलरेडी इन टॉप 5 एंड आगे आने वाले एपिसोड्स और भी एंगेजिंग है और भी इंटरेस्टिंग है, सो डू वॉच एंड खूब सारा प्यार दीजिएगा। एंड 3 भी हम लोग शूट कर चुके हैं जो कि बहुत जल्दी आपके सामने आएंगी। लास्टली सभी के लिए क्या मैसेज होगा, जो खतरों के खिलाड़ी देखते ही डरते हैं लेकिन उसे कैसे ना कैसे आपने उनका डर दूरी कर दिया है, उन सभी के लिए क्या? देखो डर बिल्कुल जायज़ है, मतलब हम भी बहुत डर रहे हैं, अभी भी डर रहे हैं खुद को देखते हुए भी कि शिट ये कैसे किया मैंने, ये मैंने क्यों किया तो ये सब ऑफ कोर्स डर होना बिल्कुल जायज़, आई कैन अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, हर किसी के अपने फेयर्स होते हैं एंड मुझे लगता है कि दैट्स द ब्यूटी, अगर फेयर चले जाएंगे ना तो मज़ा ही नहीं आएगा, तो वो किसी चीज़ को करने में वो एडवेंचर ही नहीं आएगा, सो दैट ऑफ कोर्स इज़ देयर। लेकिन येस मैं जो मैंने सीखा, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, आपका माइंड रिलैक्स है, आपने ठान लिया कि करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो, सो ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you.